के परिवार के साथ मौजूद हैं। विवेक, हामिद के परिवार से पूछिए कि उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी सुषमा स्वराज से। बिल्कुल, मैं जसप्रीत, जो हामिद की माँ है फौजा जी, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। फौजा जी, आपकी सुषमा स्वराज जी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? आखिरी मुलाकात 19 दिसंबर 2019 को हुई थी और उस वक्त हामिद आ चुके थे। उस वक्त खुशी का माहौल था। उससे पहले जब मैं मैडम के पास जाती थी तो आंसुओं को रोके रहती थी लेकिन दिल में दर्द रहता था, लेकिन उस दिन तो बस मैं खुशी खुशी थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, और मैडम भी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने किसी जनता की सहायता की, उसे लग रहा था उन्होंने किसी अपने की सहायता की, और मुझे भी लग रहा था कि हम अपने के पास हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हुई। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। पार्थिव शरीर उनका घर पे रखा गया है, इसके बाद उसे बीजेपी दफ्तर रखा जाएगा। और यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए भी उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया, और उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें भी कहा था कि एक ऐसी राजनेता थी और उनका जाना न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके परिवार वालों से मिलते हुए, आप देख रहे हैं ढांढस उनको बंधा रहे हैं क्योंकि परिवार गमगीन है, गम का माहौल है, लोगों की आंखें नम हैं, और यहां पर परिवार को ढांढस बंधाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और अब वो लोगों से मिलते हुए, इस वक्त तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं उनके घर पर, आम लोगों के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। हालांकि राष्ट्रपति का काफिला आने वाला था, ऐसे में वहां पर सुरक्षा के इंतज़ाम कड़े किए गए थे। 67 साल की उम्र में सुषमा स्वराज का निधन हुआ और आखिरी वक्त तक वो सक्रिय रही थी ट्विटर में। उन्होंने कल ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 हटा है, उसका वो इंतज़ार कर रही थी उस पल का। और इस बीच राष्ट्रपति सुषमा के परिवार वालों से मिले और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट भी किया था और अपने अनुभव भी साझा किए थे क्योंकि सुषमा स्वराज बतौर महिला, उनके नाम कई उपलब्धियां हैं, कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए जो आज के दौर में किसी महिला के लिए स्थापित करना इतना आसान नहीं है। 67 साल उनकी उम्र थी, दिल का दौरा उन्हें पड़ा,